ستنط قريبهم حر الجحيم الحاطمة المصطفى والمرتضى وابناهما والفاطمة. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Lots of love, lots of blessings, many duas and beautiful vibrations, positive vibrations I am sending your way. सब ठीक ठाक है. आज ये जो टॉपिक है ना वो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है, बहुत ही अहम है और बहुत ही मेरे दिल के करीब है. क्यों? क्योंकि मैं भी एक बेटी हूँ और जिस तरह की मेरी माँ है, अल्लाह सुबहाना बताला ने जिस तरह की मेरी माँ मुझे अता फरमाई है, मैं समझती हूँ आई एम डेफिनेटली वन ऑफ दोज ब्लेस्ड वंस जो अल्लाह की ख़ास अता है. क्योंकि मेरी वालदा ने बहुत ही खूबसूरती से हमें पाला है, बहुत पॉजिटिविटी दी है, बहुत खूबसूरत वैल्यूज़ दी हैं हमें. मोहम्मद आले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम की मार्फत दी है और उनकी उनकी फजीलत और अहमियत दी है. और मैं समझती हूँ कि इससे बड़ा तोहफा बच्चों के लिए नहीं हो सकता. जितने लोग ज्वाइन कर रहे हैं आप सब लोगों को खुशामदीद कहती हूँ. वेलकम टू दिस वर्ल्ड ऑफ पॉजिटिविटी वे वी जस्ट टॉक अबाउट पॉजिटिविटी बिकॉज दिस लाइफ एंड दिस वर्ल्ड इज ऑल अबाउट स्प्रेडिंग पॉजिटिविटी. और ये जो पॉजिटिविटी होती है ये किसी ये कोई चीज़ नहीं होती है, इट्स जस्ट योर स्टेट ऑफ माइंड. ऐसा नहीं होता कि आपके पास कोई चीज़ आ जाए, कोई आपके पास एक सर्टन कोई लेवल नहीं है, कोई ऐसा क्राइटेरिया नहीं है, कोई मेरिट नहीं है पॉजिटिविटी का और हैप्पीनेस का. इट्स ऑल योर स्टेट ऑफ माइंड, हाउ यू फील, हाउ यू यू नो हाउ यू टेक लाइफ and what you cherish. किस तरह से आप अपनी ज़िंदगी को चेरिश करते हैं. आपके पास कुछ ना भी हो, झुग्गियों में रहने वालों को भी हमने हंसते मुस्कुराते इत्मीनान से ज़िंदगी गुजारते हुए देखा है और जिन्होंने राज़ी नहीं होना या जिन्होंने खुश नहीं होना उनके पास बड़े बड़े घर भी होंगे, बच्चे भी होंगे, बीवियाँ बीवी बच्चे बीवी हस्बैंड मतलब व्हाटएवर जो भी एक रिक्वायरमेंट होती है. बच्चे अच्छे स्कूल्स में अच्छे कॉलेजेस में पढ़ रहे होंगे, फिर उसके बाद उनके भी आगे बच्चे हो जाएंगे. लेकिन जो अपसेट स्टेट ऑफ माइंड होती है इट हैज़ गॉट नथिंग to do with what you have. It's all because of that contentment जो आपके दिल का सुकून है वो ही आपको आपको वो खुशी देता है, आपको आपके लिए वो सुकून का बायस होता है जो हर इंसान अपनी जिंदगी में जिसकी स्ट्रगल कर रहा होता है. इससे पहले कि मैं बेहतरीन रिलेशनशिप के हवाले से बात करूं और पेरेंट्स और माँ बाप पेरेंट्स और बच्चों के दरमियान जो रिलेशनशिप है उस हवाले से बात करूं, बच्चों का और पेरेंट्स का जो रिलेशनशिप होता है वो इस कदर अहम होता है, इस कदर अहम होता है. आज मैं जब अपने लिए अपनी बेटी के लिए ख़ास तौर पे दुआ करती हूँ तो आपको पता है मैं उसके लिए क्या दुआ करती हूँ. मैं उसके लिए दुआ करती हूँ कि ऐ मेरे मालिक, ऐ मेरे रब, ऐ मेरे आका, ऐ मेरे मौला, जब मैं अपने रब से बातें करती हूँ और उससे गुफ्तगू करती हूँ और उससे दुआ करती हूँ तो आयत के लिए, अपनी बेटी के लिए जब मैं दुआ करती हूँ तो पता है आपको कि क्या मांगती हूँ. मैं कहती हूँ कि ऐ मेरे अल्लाह, मेरी बेटी का जो भी कोई बर है, जो उसकी ज़िंदगी का लाइफ पार्टनर होगा, उसके पेरेंट्स उस बच्चे की बेहतरीन ट्रेनिंग कर रहे हूँ, उसको एक बेहतरीन इंसान बना रहे हूँ, उसको एक अच्छा बा इखलाक इंसान बना रहे हूँ. क्योंकि आप दीन की जो बेस, दीन में जितने भी अहकामात हैं और जो तालीमात हैं उसका जो फ्रूट है ना, जो फ्रूट जो समर है वो अच्छा इखलाक है. और ये मैं दुआ करती हूँ कि अल्लाह, और फिर मैं उसकी एंड इट्स एन इनकम्प्लीट दुआ एंड देन आई ऑल्सो प्रे कि अल्लाह
मुझे भी ये तौफीक अता फरमा कि मैं अपनी बेटी की इतनी अच्छी ट्रेनिंग दूँ और मुझे वो शऊर दे कि मैं इसको इतनी अच्छा इसका ब्रॉट अप करूँ और इसकी अखलाकियात और इसका उठना बैठना और इसकी इवन तालीम और तरबियत ऐसी करूँ कि ये जिस घर में भी जाए अल्लाह सुबहाना व ताला उस घर के अंदर रौनक का, खुशी का, सबके इकट्ठे होने का, सबके अंदर खुशियाँ बांटने का, सबके अंदर सबको एक करके जोड़ के रखने का और हर किसी के लिए आसानियों का बायस बने मेरी बेटी, ये दुआ मैं करती हूँ। और उससे पहले ये कि जहाँ पर भी मेरी बेटी का जो भी बर होगा, इंशाल्लाह अभी तो वो बहुत छोटी है, मगर जब मैं ये बात किसी को बताती हूँ तो लोग हंसते हैं कितनी छोटी सी है और आप अभी से, तो आई ऑलवेज से दैट यू नो बेशक छोटी सी है मगर जो भी उसका लाइफ पार्टनर है इंशाल्लाह उसकी ट्रेनिंग तो अभी होगी ना। हम क्या कहते हैं कि हम ऑल ऑफ अ सडन जब बिल्कुल बच्चे बड़े हो जाते हैं या यू नाउ वी आर लुकिंग फॉर यू नो देयर स्पाउसेस तो हम उस वक्त दुआएं मांग रहे होते हैं, मगर मैं ये कहती हूँ कि अल्लाह अभी से ही हमें उनके लिए दुआएं मांगनी चाहिए। और जो मेरा और मेरी वालदा का एक रिलेशनशिप है उसमें कमाल उनका है क्योंकि उन्होंने इस कदर कॉन्फिडेंस दिया है, इस कदर कॉन्फिडेंस दिया है कि अगर मेरे में 0.1% भी कोई अगर अच्छाई है, मेरे में कोई भी कुछ थोड़ी बहुत जिसे कहते हैं ना कि पॉजिटिविटी है, इट इज़ जस्ट बिकॉज ऑफ हर, इट इज़ जस्ट बिकॉज ऑफ हर। उन्होंने इतना हमेशा से दोस्त बना के रखा कि मुझे कभी महसूस ही नहीं हुआ कि मुझे किसी दोस्त की ज़रूरत है। She has given me this confidence that she's always there for me. और मेरे दिल की कोई छोटी बड़ी परेशानी, कोई secret, कोई बात अगर हो तो she is the first person. मेरी जिंदगी की कोई ऐसी बात नहीं है, कोई ऐसी बात नहीं है जो मेरी वालदा को ना पता हो, एक्सेप्ट अ फ्यू सीक्रेट्स दैट आई एंड आई हैव, या नॉट गोना टेल देम टू यू। सो ये जो एक होता क्या है कि हम जब माँ बाप बनते हैं तो हम बहुत ज्यादा मतलब एक दीवार कई दफा क्रिएट कर लेते हैं, बच्चों और माँ बाप के बीच में कोई दीवार नहीं होनी चाहिए। कई दफ़ा जब बच्चे छोटे होते हैं, किड्स आर स्मॉल, दे कम टू यू एंड दे शेयर देयर हार्ट्स विद यू। मतलब मैं आयत किसे हमेशा ही कहती हूँ और आयत मेरे चाय और रस दोनों खा गई सारे। आयत से मैं कहती हूँ कि आयत व्हाट एवर यू हैव इन योर हार्ट, दिस इज एग्जैक्टली व्हाट माई मदर हैज टॉट मी, वट एवर इज देयर इन योर हार्ट यू शुड ऑलवेज ऑलवेज टेल मी एंड शी ऑलवेज शेयर हर। अच्छा क्या होता है, बच्चे छोटे होते हैं वो घर आते हैं ना तो अपनी सारी बातें माँ बाप को बच्चों को बताते हैं, छोटे सीक्रेट्स। अब क्या होता है जब छोटे होते हैं तो हम उनकी छोटी छोटी बातों को सुनकर बहुत खुश होते हैं, हंसते हैं, यू नो वी लव एंड वी इंजॉय एंड वी चेरिश, यू नो थोड़ा सा ऊपर कर दो, वी चेरिश एंड वी लव एंड वी से वाओ दैट्स सो इंटरेस्टिंग। फिर क्या होता है कि बच्चे वही हमारे प्यारे प्यारे से बच्चे जो हैं वो थोड़े से बड़े हो जाते हैं। अब जब वो बड़े हो जाते हैं और वो बड़े होकर हमें कोई ऐसी चीज आके बताते हैं कि जी हम लोगों ने कोई भी ऐसा फॉर एग्जांपल स्कूल बंक करके हम अपनी फ्रेंड्स के साथ कहीं बाहर चले गए तो होता ये कि हम उनको उस बात को प्यार से सुनने की बजाय, उसको एक्सेप्ट करने की बजाय या उसको समझने की बजाय हम बहुत ज्यादा एकदम से रिजेक्टेड फील करते हैं और रिजेक्टेड उनको महसूस कराते हैं। देन वी से कि व्हाट यू नो एक हमारा रिएक्शन इतना होता है कि जो हमारे बच्चे होते हैं उनको लगता है कि ओ आई हैव टेकन द रॉन्ग डिसीजन, इट्स ओके जस्ट लीव इट, आई हैव जस्ट टेकन द रॉन्ग डिसीजन, आई शुडंट हैव शेयर्ड एटलीस्ट दिस। मेरी जिंदगी में मैंने जो एक्सपीरियंस किया है कि मेरी जिंदगी में जो मेरा जिंदगी का वक्त गुजरा है उसमें हर चीज
हर चीज मैंने अपनी वालदा से शेयर की है, बल्कि कुछ ऐसी चीजें जिसमें मतलब मुझे महसूस हो कि वो बहुत ज्यादा हर्ट होंगी तो वो नहीं, मगर वो भी मुझे उनसे डिस्कस करनी होती है एंड आई डिस्कस विद हर एंड दैट्स हाउ आई थिंक वी हैव अ ग्रेट रिलेशनशिप. मगर बहुत सारे ऐसे पेरेंट्स होते हैं जो बहुत बहुत ही स्ट्रिक्ट किस्म का रिलेशनशिप होता है. अब उसमें क्या होता है कि जब बच्चे आपको बचपन में हर बात बताते हैं और एक वक्त आता है कि वो फिर जब आप उनके साथ जब आप माँ बाप बन के उनकी हर बात को सुन रहे होते हैं एंड यू डोंट एक्सेप्ट दैट दे आर ऑल्सो सोल्स. अगर आपने किसी बात के ऊपर बच्चों को समझाना है या बच्चों को बताना है कि आप की ये बात गलत है, तो हमारा रिएक्शन ये होता है कि तुम गलत हो, ये मैंने तुम्हें तरबियत दी है, ये मैंने तुम्हें समझाया है, ये मैंने तुम्हें बताया. हम इतना स्ट्रिक्टली उन बच्चों को जो है वो करते हैं, बताते हैं और वो सारी चीज़ें करते हैं कि वो लोग, वो बच्चे जिस तरह से, वो एक टर्टल होता है ना, तो वो टर्टल के पास से अगर कोई गुजर जाए या उसको महसूस हुए कि कोई आ रहा है, तो वो एकदम से वो अंदर अपने आप को जो सारे उसका सर और वो सब अंदर ले जाता है, उस शेल के अंदर ले जाता है. मेरी माँ ने मुझे हमेशा कॉन्फिडेंस दिया, अगर मैंने कोई ऐसा डिसीजन लिया भी है तो वो ये कभी भी नहीं कहती कि तुम गलत हो. नेवर 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 इन माई लाइफ शी वुड से तुम गलत हो. शी वुड से यू आर एब्सोल्युटली राइट, बट इसको देख लो, ये बात अगर इस तरह से नहीं, इस तरह से कर लो तो शायद इट माइट बी बेटर फॉर यू. सो दिस इज हाउ वी नीड टू टेल आवर किड्स. मगर हम क्या करते हैं, हमें कोई बच्चे आके अपने को छोटा सा भी क्राइम या कोई ऐसी शरारत या कोई ऐसी चीज करते हैं तो हम एकदम से हो जाते हैं, व्हाट इज दिस व्हाट यू डिड, एंड देन दे लाइक ओ वी आर नॉट गोइंग टू शेयर दिस विद माय मदर एट लीस्ट, नो नॉट नेक्स्ट टाइम. तो उससे क्या करते हैं, हम अपने बच्चों को अपने आप से दूर कर लेते हैं. इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम एक शख्स था और वो शराब के नशे में धुत और ज़मीन पर पड़ा हुआ, और एक शख्स ने उसको बुरा भला कहा, तो इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं कि तुम उस शख्स को बुरा भला नहीं कहो, बल्कि जो उसकी आदत है या जो उसकी खसलत है या जो उसने किया है, जो काम किया है, वो चीज़ गलत है. हम अपने बच्चों को हमेशा, हम अपने बच्चों के साथ क्या करते हैं, इफ़ दे हैव मेड अ मिस्टेक और इफ़ दे हैव कमिटेड सम काइंड ऑफ सिन या कोई ऐसा छोटा बड़ा गुनाह हो जाता है, बड़े हो जाते हैं, कोई ऐसी चीज़ करते हैं, यू गेट टू नो, यू फाइंड आउट दे स्मोक, यू गेट टू नो, तो वो क्या करते हैं कि वो एकदम से हम उनसे कहते हैं कि तुमने ये बात बहुत गलत की है और तुम ऐसे हो और तुम वैसे हो और ये वो सारा सिलसिला, जबकि हमें बच्चों को जानी व्हाट्स रॉन्ग, जबकि हमें ये इस तरह से बताना चाहिए कि आप ठीक हैं, आप बिल्कुल ठीक हैं, मगर जो आपका एक्ट है, जो आप काम कर रहे हैं, ये जो आप सोच रहे हैं, क्योंकि आज हम अपने ज़माने में देखते हैं कि इस कदर पीयर प्रेशर है कि जिसकी वजह से इफ़ किड्स आर गोइंग टू वॉच मूवी, इफ़ द किड्स आर गोइंग टू बंक द क्लास एंड गो वॉच अ मूवी एंड दे आर गोइंग यू नो विद फ्रेंड्स, आप अब वो सारे जो सारा एटमोसफेयर और सारी चीज़ें देख कर, आप उन बच्चों को अगर उन बच्चों का जी चाहता है वो कुछ करने का, तो वो बात तो गलत नहीं है. ज़ाहिर है हमने भी अपनी ज़िंदगी गुजारी है, जब आप अपने फ्रेंड्स के साथ होते हैं, जो जो कुछ आपके सराउंडिंग्स में हो रहा होता है, जितने मर्जी आप मुत्तकी हों, ऑब्वियसली दीज थिंग्स अट्रैक्ट यू. सो उसके ऊपर हमारा बच्चों को ये कहना कि आप बहुत ज़्यादा बच्चों को ये कहना कि आप गलत हैं, आई डोंट थिंक दैट्स अ नाइस थिंग टू से. एंड बहुत सारी वालदा के लिए दुआएँ हैं, अल्लाह मेरी माँ को वाकई सेहत और तुल हयात अता फरमाए. आई एम नॉट अ मुस्लिम, ये एक सवाल था जो उस दिन आया था, कुछ सवाल थे जो मैंने नोट डाउन किए थे. आई एम नॉट अ मुस्लिम बट आई लव इस्लाम, बट वॉट डू यू से अबाउट दोज मुस्लिम्स हु डीफेम द होल कम्युनिटी. देखिए बात सुनिए, बात ये है भाई कि
पूरी कायनात में, पूरी दुनिया में जितने भी मज़ाहिब हैं उनमें अच्छे लोग भी होते हैं, उनमें बुरे लोग भी होते हैं। ज़रूरी नहीं है कि हर इंसान जो कलमा पढ़ता है, हर इंसान जो आकाए दो जहान का मानने वाला है, वो वाकई दर असल उनकी तालीमात के ऊपर भी चलता हो। और कुरान भी यही बात कहता है कि बेहतरीन हर इंसान अच्छा है, मगर उसकी खसलत और उसकी हैबिट्स और उसकी जो जो वो जो कुछ अमल अपनी ज़िंदगी में करता है उसकी वजह से हम लोगों के लिए आसानियों का बायस बनते हैं, उसकी वजह से हम लोगों के लिए दुख का बायस बनते हैं। तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने लिबादा ओढ़ा होता है इस्लाम का और मुसलमान होने का, मगर अंदर उनकी वैल्यूज़ नहीं होती। जिस तरह से अल्लामा इकबाल और मुख्तलिफ लोगों के हवाले से है कि जब वो बाहर गए उन्होंने कहा कि वहाँ पर हमने मुसलमान नहीं देखे मगर हमने इस्लाम वहाँ देखा, यानी इस्लाम इज़ अ मैसेज ऑफ पीस। हमने वहाँ पर लोगों को आसानियाँ बांटते हुए लोगों को देखा, एक दूसरे की मदद करते हुए देखा। सो इस्लाम, दिस रिलीजन इज़ ऑल अबाउट पीस, इट्स ऑल अबाउट ह्यूमैनिटी, इट्स ऑल अबाउट हेल्पिंग अदर्स, इट्स ऑल अबाउट लविंग ईच अदर, इट्स ऑल अबाउट मेकिंग ईच अदर्स लाइफ्स ईजी। सो अगर कोई शख्स मुसलमान होने का दावा कर रहा है एंड दे आर नॉट फॉलोइंग ऑल दिस, और सिर्फ मुंह से अगर आप पढ़ते, ये बिल्कुल ऐसे ही है कि आप कहें कि जी मैं डाइटिंग पे हूँ, मैं डाइटिंग पे हूँ, मैं डाइटिंग पे हूँ, मगर आपके सामने जब भी कोई ऐसी चीज़ आए तो आप सब कुछ खाएं, तो फिर वो आप मुंह ज़ुबानी से तो डाइटिंग पे नहीं हो सकते। और अगर कह भी रहे हैं कि डाइटिंग पे हैं तो इट्स नॉट गोइंग टू इफ़ेक्ट यू। इसीलिए इस्लाम उन लोगों के लिए फ़ायदेमंद नहीं है जो अपने आप को मुसलमान कहते हैं, ना वो ख़ुद अपने लिए फ़ायदेमंद हैं, ना वो अपने घर वालों के लिए फ़ायदेमंद हैं, ना वो सोसाइटी के लिए फ़ायदेमंद हैं, ना वो इस दीन के लिए फ़ायदेमंद हैं। सो ऑल द पीपल एंड देन He says, इलामा इकबाल then he says कि I came back here, यहाँ पर हर तरफ मुसलमान मैंने देखे मगर इस्लाम नहीं था। So the thing is कि ये जो दीन है इस्लाम है, it's all about practicing। हम लोग जितना practice करेंगे इसको उससे किसी को फायदा नहीं होगा। It's gonna make our lives beautiful, it's gonna make our lives easy। So that's all what it is। अच्छा, आपके लिए ऐसी बातें दिल में रखे जो आपने सोची भी ना हो तो कैसे क्लियर करें, क्या करें आप? ये खामोश रहें। देखें, बहुत सारे ऐसे रिलेशनशिप्स होते हैं हमारे, बहुत देयर मैनी मैनी रिलेशनशिप्स कि जिसमें इतनी चीज़ें क्रम्बल्ड हो गई होती हैं, इतनी चीज़ें गलत हो गई होती हैं। ये मेरा जो सवाल है, ये सलमा जी आपका सवाल था जो आपने किया था कि आप कुछ ऐसे लोग आपकी ज़िंदगी में होते हैं जो आपके लिए ऐसी बातें दिल में रखते हैं जो आपने कभी सोची नहीं होती, यानी आपने सोची नहीं मगर अगला बंदा अपने दिल में ये बातें रखता है कि ये मेरे खिलाफ या मेरे लिए ये ऐसा सोचता है, तो उसको कैसे क्लियर किया जाए, क्या किया जाए? ये बहुत ही अच्छा सवाल था, इसलिए मैंने नोट डाउन कर लिया था, बिकॉज देयर मेनी पीपल हु टॉक अबाउट दिस कि इतनी मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्रिएट कर लेते हैं लोग, इतनी ज़्यादा बातें एक दूसरे के दिल में रखते हैं, बदगुमानियाँ रखते हैं, एक दूसरे के लिए बोग्स अपने दिलों में रखते हैं एंड और उसकी कोई हकीकत ही नहीं होती। आपको मैं क्या बताऊँ, दो किस्म की हीलिंग्स होती हैं, दो तरीके से हम काउंसलिंग कर सकते हैं लोगों की। एक तरीका ये होता है काउंसलिंग करने का कि हम लोगों के साथ, कई दफ़ा जब हमारे डिफरेंस आते हैं हम कहते हैं चलो लेट्स सिट डाउन एंड टॉक थिंग्स आउट, आज हम इसको डिस्कस करते हैं और हमें बताओ कि क्या मसला है। अच्छा, फिर क्या होता है जब आप डिस्कस करना शुरू करते हैं तो एक मसला हल करते करते चार और मसले आ जाते हैं, तो वो डिस्कशन चीज़ों को ठीक करने की बजाय इट गोज डाउन द ड्रेन, इट गेट्स रियली बहुत, जिसे कहते हैं ना, एक ब्लंडर हो जाता है बहुत बड़ा और एक अजीब किस्म की लड़ाई शुरू हो जाती है। सो इंस्टेड ऑफ डूइंग दैट, अगर आपको ये महसूस हो कि कोई ऐसा शख्स है जो आपके लिए बदगुमानी रखता या आपके बारे में कुछ अच्छा नहीं सोचता, तो उनकी हीलिंग आपने किस तरह से करनी है? बाय सेंडिंग देम, बाय थिंकिंग अच्छी बात, एज आई ऑलवेज से, अच्छी बात का जवाब दूसरी बुरी बात नहीं होती। अगर आपने तोड़ना है, बुराई को आप तोड़ सकते हैं अच्छाई के साथ। अगर कोई आपके बारे में बदगुमानी रखता है, अगर कोई आपके बारे में बुरी बात करता है, अगर कोई आपके बारे में बुरा सोचता है, तो आप उसके बारे में अच्छा सोचना शुरू कर दें। आप अपने दिल से उसको अच्छी उस अंदर अपने अंदर उसके हवाले से अच्छी बात करें, उसके लिए अच्छा सोचें, उसको अच्छी वाइब्रेशंस भेजें बाय थिंकिंग गुड फॉर द अदर पर्सन।
Yes, I am very, very special, alhamdulillah. So, ye jo sari cheeze hain, inshallah, this will bring that, you know, wo jo hamare uljhane hoti hain aur jo gaanthein ban jati hain, jo uljhane pad jati hain, jo girhein pad jati hain, wo inshallah door hogi aur sari cheeze theek ho jayengi if we start thinking very 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 positive. अच्छा एक और बात, उस दिन हम बड़ी hardcore सी discussion हो रही थी तो उसमें उन्होंने कहा कि इसमें we make our fathers ideal. फिर होता ये कि जब हम अपने husbands को जब हम अपने fathers को अपना ideal बनाते हैं तो हम उसी father को हम अपने मियाँ में ढूंढते हैं. और जब हमें वो मियाँ नहीं मिलता, वो जो फादर होता है हमारे बच्चों का, जो फादर होता है वो हमें अपना बाप उसमें नहीं मिलता या वो क्वालिटीज़ नहीं नज़र आती तो फिर हम डिसअपॉइंटेड होते हैं. अब आप मुझे एक बात बताएं, अक्सर लोग कहते हैं कि आप औरतों के ख़िलाफ़ बात ना किया करें, मतलब आप खुद एक औरत हैं. मैं बिल्कुल औरतों के ख़िलाफ़ बात नहीं करती, मैं बहुत न्यूट्रल बात करती हूँ. एंड आई जस्ट वॉन्ट टू be very neutral, ठीक है. हर इंसान एक के अंदर सोल है. इंसानों को मर्द और औरत से ज़्यादा अगर हम एज अ सोल लें, एक रूह है, मर्द में भी रूह है, औरत में भी रूह है. हर इंसान अपने अंदर एक रूह रखता है और उस सोल की अपनी हैबिट्स हैं, उस सोल की अपनी खसलत होती है. एक वर्ड होता है ना, हैबिट्स, जो आपकी नेचर होती है. हर इंसान की, हर सोल की अपनी खसलत होती है. आप मुझे बताइए, डोंट यू थिंक ये बहुत ज़्यादा ज्यादती होगी कि अगर हम किसी एक सोल को एक दूसरी सोल से कंपेयर करें. हम अपने वालिद को अपने हस्बैंड से कंपेयर करें या अपने हस्बैंड को अपने वालिद से कंपेयर करें, तो डोंट यू थिंक ये ज्यादती होगी. हमारे अंदर, हम उनके बच्चे होते हैं, हम अपनी माँ के बच्चे होते हैं, उसके बावजूद हम अपनी माँ जैसे नहीं होते. वी हैव क्वालिटीज ऑफ आर ओन, वी हैव आर ओन. हम उस घर में पले हुए, एक घर में पले हुए बच्चे एक जैसे नहीं होते, तो हम कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि जैसा हमारे वालिद साहब थे उस तरह का हमारा हस्बैंड होगा. क्यों? क्योंकि बीच में हम एक एलिमेंट है. हाउ कैन इवन वी थिंक दैट वे? सिमिलरली मेन ऑल्सो थिंक द सेम. मर्दों का भी ये होता है, मेरी माँ तो ऐसी थी, मेरी माँ तो ऐसे खाने बनाती थी, मगर तुम्हारे हाथ में वो टेस्ट नहीं है. अब मुझे बताएं कि एक माँ जो आपकी थी, उनका एक अपना बैकग्राउंड था, उनकी एक अपना सोल था, उनकी अपनी वैल्यूज थी, उनकी अपनी सोच थी. हाउ कैन यू इवन एक्सपेक्ट? डोंट यू थिंक कि कहीं ना कहीं हम ही गलत होते हैं? क्यों? क्योंकि हमारी एक्सपेक्टेशंस इतनी ज़्यादा होती हैं. हम सोच ही रहे होते हैं कि हमारे मियाँ जो है वो हमारी वालिद साहब जैसा होगा. हाउ इज दैट पॉसिबल? ओनली दीज एक्सपेक्टेशंस रूइन आवर रिलेशनशिप्स. ओनली दीज एक्सपेक्टेशंस एंड आवर थॉट्स, हम सोचना शुरू कर देते हैं कि वो ऐसा होगा या वो वैसा होगा या वो ऐसा करेगा या वो वैसा करेगा, कि जिसकी वजह से हमारे रिलेशनशिप्स, अच्छे रिलेशनशिप्स गलत हो जाते हैं. और अगर अच्छे रिलेशनशिप्स हमारी सोचों की वजह से गलत हो जाते हैं, तो आप यकीन कीजिए कि बुरे रिलेशनशिप्स भी विदाउट इवन कम्युनिकेटिंग, विदाउट इवन टॉकिंग, आप चीज़ें ठीक कर सकते हैं. मेरी ज़िंदगी में बहुत सारे ऐसे लोग कि जो मेरी ज़िंदगी में, मतलब हर इंसान अपनी अपनी ज़िंदगी को जी रहा होता है, उसमें बहुत सारे उतार चढ़ाव आते हैं. मैंने ओवर द पीरियड ऑफ टाइम द रिलेशनशिप्स आई हैड, आई हो सकता है हम उस नोट के ऊपर उन रिलेशनशिप्स में ना हो, बट इम्पॉर्टेंट चीज़ पता है क्या है? इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि अगर आप, फॉर एग्जाम्पल, आप मेरी कोई फ्रेंड थी एंड वी वर वेरी क्लोज एंड वी यूज टू मीट एवरी डे. हर चीज़ होती थी, हमारे कुछ डिफरेंसेस आए, ये वो सब कुछ, लेकिन हो सकता है आज हम लोग उस तरह से मिलते ना हों, या हर इंसान की अपनी अपनी प्रायोरिटीज़ हो जाती हैं, कोई अपनी ज़िंदगी में बिजी है, मैं अपनी ज़िंदगी में, मगर आज भी मेरा रिश्ता नहीं टूटा, मेरा ताल्लुक नहीं टूटा, मेरा ताल्लुक उन लोगों से है, बट वो कोई ग्रजेज़ नहीं है,
बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं आपकी ज़िंदगी में जो आपके साथ होते हैं, वो आज नहीं भी हैं आपकी ज़िंदगी में, कुछ केसेस ऐसे भी हैं कि जिनका जो अब आप जिनसे अब आपका कोई ताल्लुक वास्ता भी नहीं है, बट इवन देन यू डोंट हैव अ नेगेटिव रिलेशनशिप, नेगेटिव अकाउंट्स नहीं है उनके साथ कि आप उनके बारे में बुरा सोच रहे हैं और आप उनके बारे में नेगेटिव वाइब्रेशंस, यू आर जस्ट थिंकिंग पॉजिटिव अबाउट देम. उनके बारे में जब भी सोचें उनको दुआ दें, उनके बारे में जब भी ख्याल आए उनके लिए दिल में ग्रजेस रख के अपनी ज़िंदगी को ना गुजारें. क्योंकि होता ये कि जब आप अपनी ज़िंदगी में किसी के लिए कोई ग्रज रख के अपनी ज़िंदगी को गुजारते हैं तो उससे दूसरे बंदे का नुकसान नहीं होता, उससे आपका अपना नुकसान होता है. आपकी अपनी ज़िंदगी, आपके अपने दिल में, आपके अपनी वो जिसे कहते हैं ना, जो आपकी सोल है, उसके ऊपर डॉट्स आने शुरू हो जाते हैं, नेगेटिव ब्लैक डॉट्स, कि जिसकी वजह से फिर आहिस्ता आहिस्ता वो डॉट्स दिग गेट इन टू वो ब्लॉक्स बन जाते हैं, फिर आपको डिफरेंट डिजीज़ होनी शुरू हो जाती हैं, डिफरेंट बीमारियाँ होनी शुरू हो जाती हैं. सो अपने जितने भी अकाउंट्स हैं, जितने भी रिलेशनशिप्स हैं, उनको पॉजिटिव रखें. सलमा जी, एज यू आस्क दिस क्वेश्चन, अगर कोई आपके बारे में बुरा भी सोच रहा है तो उसकी काट ये है कि आप उसके बारे में अच्छा सोचना शुरू कर दें और बेहतरीन सोचना शुरू कर दें. अगर कोई आपको महसूस करती है कि कोई आपके बारे में बुरा सोच रहा है तो उसके बारे में नेगेटिव सोचने की बजाय आप उसको पॉजिटिव वाइब्रेशंस भेजें. और ये भी मत सोचें कि आपके बारे में वो बुरा सोच रहा है. इफ़ यू हैव दिस फीलिंग, डोंट थिंक उसके ऊपर, उसको उसके ऊपर आप नेगेटिव सोच के दरअसल अपने लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट करेंगे. अगर आपको हल्का सा एहसास है, फील होता है कि अगले बंदे के रिएक्शन से कि कोई आपके लिए बुरा सोच रहा है, तो आप उसको पॉजिटिव वाइब्रेशंस दें, आप उसके लिए पॉजिटिव सोचें और अपनी ज़िंदगी को आसान बनाएं. जितने भी रिलेशनशिप्स जो हमारे रहे हैं पुरानी ज़िंदगी में, दोस्तियाँ रही हैं, वर्किंग रिलेशनशिप्स रहे हैं, कि जिन्होंने आपको किसी न किसी लिहाज से धोखा दिया या आपके साथ झूठ बोला या आपकी दिल आज़ारी की, ये उन्होंने नहीं की, ये आपने खुद की. आपने खुद से उसको, किसी ने कोई आपके साथ बुरा करके चला गया, उसको भूल भी गया कि उसने आपके साथ बुरा किया, मगर उस बुराई को आपने इतना सोचा, इतना क्रिएट किया कि वो कर करके वो बुराई सारी ज़िंदगी फिर आपके साथ चली और उसने आपकी उन नेगेटिव सोचों ने आपका और उस शख्स का जिसने आपके साथ बुरा किया था, वो बुरा करके चला भी गया, उसने अपनी ज़िंदगी भी गुजार ली और अब पता नहीं किस जगह पे बैठ के क्या इन्जॉय कर रहा है, मगर आपने उसको साथ रखा और उसने मेरे साथ बड़ा बुरा किया था, उनने मेरे नाल बड़ा बुरा किया, मैं नहीं भूल सकती इस चीज़ को. तो इसका मतलब है वो रिलेशनशिप जो है ही नहीं, वो आज तक आप उसका बैगेज, एक सामान जो बैग जो है वो आप लेकर चल रहे हैं. इसलिए हम अपनी ज़िंदगी में इस कदर थक जाते हैं कि वो जो अब हमारे साथ नहीं भी हैं उनके भी सोचें, उनके जो दुख दिए हुए जो वो भूल गए उनको लेके हम चल रहे होते हैं, और जो उनके दिए हुए दुख होते हैं या जो उन्होंने हमें की होती है उसकी वजह से उनको कोई मसला नहीं होता, उनकी ज़िंदगी में कोई प्रॉब्लम नहीं होता. वो जो दुख आपको दिया होता है उस दुख को आपने अपने पल्लू के साथ बांध के रखा हुआ होता है, और वो आहिस्ता आहिस्ता आपकी बीमारी का, आपकी ज़िंदगी में दुख का, और जो खुशी आपको अब अल्लाह ने दे दी है, हो सकता है आज से कुछ अरसा पहले आपकी ज़िंदगी में कोई रिलेशनशिप था, अब वो नहीं रहा, मगर आप उसके दुख के साथ अभी तक हैं और अब कोई नया रिलेशनशिप आपकी ज़िंदगी में आ गया है एंड यू आर लिविंग अ ब्यूटिफुल लाइफ, बट जस्ट दैट थॉट कि उसने मेरे साथ ये बुरा किया था, मैं ये कैसे भूल सकती हूँ, it makes your life miserable. It makes your life very, very difficult. So we need to let go. We need to just forgive. और मेरा ख्याल है सबसे बेहतरीन चीज़ ये है कि अगर कभी किसी ने आपके साथ बुरा किया भी है तो उसको भूल जाएं, उसको माफ़ करें और उसके लिए दुआ करें,
और यही एक तरीका है कि आप अपनी ज़िंदगी में मुश्किलों से निकल सकते हैं। कई दफ़ा ऐसा होता है कि आप अपनी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा जब चीज़ें पाइल अप हो जाती हैं तो आप बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, जब बहुत ज़्यादा चीज़ें जमा हो जाएं और आपको लगे कि बस अब मैं फट जाऊंगा या गी, तो मेरा ख्याल है आपको अल्लाह की बारगाह में बैठ के उससे गुफ्तगू करके रो लेना चाहिए एंड देन जस्ट मूव ऑन इन लाइफ इंस्टेड कीपिंग इट इनसाइड इन योर हार्ट। बिकॉज जब आप रो देते हैं, जब आप अपने दिल अल्लाह के सामने खोल के बयान कर देते हैं, जब आप अपने दिल की गुफ्तगू बात कर देते हैं, तो फिर आपको सुकून मिलता है, क्योंकि मिलता सुकून अल्लाह के साथ ही है, उसी की याद में मिलता है, उसी से गुफ्तगू करके मिलता है और उसी वही आपके दिलों को सुकून का बायस बनता है। तो जब हम ये बात कहते हैं ना, अच्छा मैं अल्लाह पे छोड़ती हूँ, अब अल्लाह जाने और वो जाने, इसमें भी कहीं ना कहीं ये उम्मीद ज़रूर है कि अल्लाह ने उसके साथ करना बड़ा बुरा है। बट वेन आई से दैट यू फॉरगिव, वेन आई से दैट यू एक्चुअली दिल से माफ़ करें, उसके बदले में पता क्या होगा, जब दिल से आप ये बात कहेंगे कि अच्छा अल्लाह मैंने माफ़ किया, ठीक है, और आप भी माफ़ करें, उससे उसका फ़ायदा क्या होगा। ये बहुत बड़ा जिगरा करना होता है, ये इट्स लाइक आई लेट गो, ठीक है तुमने मेरे साथ बुरा किया, मैं तुम्हारे लिए दुआ कर रहा हूँ अल्लाह तुम्हारा भला करे, आई लेट गो। हम जब इस कर्ब में कहते हैं ना, अच्छा मैंने मेरे साथ उसने ये किया, अच्छा अल्लाह जाने और तू जाने और अल्लाह जाने, हम ये मुंह से कह रहे होते हैं। ये बिल्कुल ऐसे ही है व्हेन वी से कि कोई आके कहता है आप तकलीफ में है, कोई आके कहता है कि ठीक है आप सब खैरियत है, तो आप कहते हैं हाँ बस शुक्र है अल्लाह का, गुजर रही है ज़िंदगी, आधी गुजर गई आधी रह गई टाइप चाहे डायलॉग्स जब हम बोलते हैं ना। जब आपने लेट गो करना है ना, जब आपने माफ़ करना है, तो आपने कहना है मैंने अल्लाह के लिए तुझे माफ़ किया और मैं दिल से तुझे माफ़ कर रही हूँ और अल्लाह तुम्हारा भला करे। ये अल्लाह से भी इन बिटवीन द लाइन्स बात नहीं करनी, दिस इज़ द डिफ़िकल्ट टास्क। मैंने अपनी ज़िंदगी में अगर मेरे साथ किसी ने बुरा किया, मैंने दिल से माफ़ किया है और मैं उनके लिए मैंने ये चीज़ सीखी है, इस घराने से सीखी है, आले मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सीखी है, माफ़ करें और दिल से करें, माफ़ किया अल्लाह भी तुम्हें माफ़ करें। द बॉटम लाइन इज़ जस्ट बी फ्रेंड्स, बाहर दोस्त ढूंढने की बजाय माएँ अपने बच्चों को, बीवियाँ अपने हस्बेंड्स को, हस्बेंड्स अपनी बीवियों को, माँ बाप अपने बच्चों को अगर दोस्त बनाएंगे, उनके साथ दोस्ती करेंगे, उनको उनके साथ हर चीज़ वो शेयर करेंगे जो उनके दिलों में है, और फिर उनको जज नहीं करेंगे, एंड दे विल एक्सेप्ट देम द वे दे आर, ओनली देन वो जो एक खूबसूरत बॉन्ड होगा, एक कॉन्फिडेंस, फिर क्या होगा उसका फ़ायदा ये होगा दैट पीपल विल, आर किड्स विल नॉट हैव टू फाइंड पीपल आउट देयर एंड देन यू डोंट नो विद होम दे आर हैविंग फ्रेंडशिप, और वो उनको क्या गाइड कर रहे हैं। हाँ मुश्किल काम है बीवियों के लिए अपनी बीवियों के लिए अपने हस्बैंड की वो सारी चीज़ें सुनना और उसको एक्सेप्ट करना मुश्किल है, लेकिन अगर आपने अपने दिल को ये बात समझा ली दैट यू विल एक्सेप्ट एवरीथिंग, यू विल मेक योर लाइफ पार्टनर योर बेस्ट बडी एंड देन ही विल बी शेयर एवरीथिंग विद यू। जस्ट इमेजिन ये कितना खूबसूरत रिलेशनशिप होगा। हाँ उसमें कुछ ऐसी चीज़ें होंगी जो हमें थोड़ा तंग शायद करें, लेकिन वो तंग भी तब करेंगी जब हमारा दिमाग हमें तंग करने पे मजबूर करेगा, जब हम उसको एक्सेप्ट कर लेंगे, हम कहेंगे ओके फाइन दैट्स हाउ दे आर, दैट्स हाउ इट इज़, देन नथिंग इज़ गोइंग टू बॉदर यू। सिमिलरली काम मुश्किल है, ये देखिए ये सारे काम मुश्किल हैं, इट्स ओके, ये सारे काम मुश्किल हैं, लेकिन जब ये काम आपने एक दफ़ा कर लिए तो फिर मौजे, देन यू विल हैव द बेस्ट टाइम ऑफ योर लाइफ इंशाल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया आप सब लोगों का, बहुत लंबी आज डिस्कशन हो गई, बट आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, आज आयत की वजह से ज़रा थोड़ा सा मैं ज़रा डिस्टर्ब हो गई, आयत सिंह ऑल्सो सॉरी,
सो मैं ज़रा थोड़ा सा डिट्रैक हो गई, बिकॉज ऑब्वियसली व्हेन यू आर फोकसिंग ऑन समथिंग एंड यू नो वो बार बार बॉदरेशन हो तो वो होता है, बट ये कि ज़ाहिर है इट्स अ पार्ट ऑफ लाइफ. वो पेरेंट्स और के बच्चों की बात कर रहे हैं, अब उनकी नहीं सुनेंगे तो फिर वो फिर कॉल और फेल में इतजाद वाली बात है. तो इसलिए कोशिश ही करते हैं, कोशिश करते हैं, दावा नहीं करते, कोशिश करते हैं कि जो कहा जाए उसको किया भी जाए. थैंक यू ऑल वंस अगेन फॉर बीइंग देयर. अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू. एंड बिफोर यू पीपल गो, बर मोहम्मद वाले मोहम्मद सलावात, लाहुमा सले अला محمد وعلي محمد. خمسة نطيبهم حر الجحيم الحاطمة المصطفى والمرتضى وابناهما والفاطمة.